पिछले वीडियो में हमने जाना था ग्रुप और लेजर क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप या लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में। मैंने एक एग्जांपल लिया है स्किलशॉट का, जिसमें स्किलशॉट डील कर रहा है ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में। जो पहले बिजी सॉफ्टवेयर यूज करता था, अब वो टैली सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना चाहता है। तो हमने देखा कैसे कंपनी क्रिएट होता है, टैली का इंटरफेस क्या है प्रीवियस वीडियोस में। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम ग्रुप और लेजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम मल्टी ग्रुप मल्टी लेजर क्रिएट करेंगे, और कैसे हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग का ग्रुप्स दिख रहा है या लेजर्स दिख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। जो ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें आपकी लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है। हमारा कैपिटल अकाउंट में मोहन है, सोहन है। मोहन ने 7,50,000 कैपिटल लाया है और सोहन ने 7,50,000। तो सिंपली हम कैसे इसको कर सकते हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मास्टर्स में हमें क्रिएट ऑल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन है। हम देखते हैं ये ऑप्शंस हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्रेस करेंगे क्रिएट में। क्रिएट में देखिए, ग्रुप हमको क्रिएट नहीं करना, ग्रुप जो है कैपिटल है, ठीक है, और लेजर हमारा सोहन और मोहन है। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के बाद हमें लेजर क्रिएशन का बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप F12 में जा सकते हैं। F12 में जाने के बाद आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, जैसे आपको इन्वेंट्री एलोकेशन चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, आपको ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए, तो आप यस कर सकते हैं। मेलिंग डिटेल्स चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए, तो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आप उस हिसाब से यस कर सकते हैं। अगर मुझे इस केस में कुछ चाहिए नहीं, तो मैं सिंपली नेम प्रोवाइड करती हूँ, क्या लेजर का नाम क्या है। अगर आप देखोगे तो लेजर का नाम आपको दिखेगा मोहन, तो सिंपली हम मोहन लिखते हैं। मोहन आपका कैपिटल अकाउंट है, जिसका ओपनिंग बैलेंस जो है, एंटर करके मैं आगे जा रही हूँ, 7,50,000 है। तो 7,50,000 मेरा लेजर है मोहन का। मोहन एक ओनर है इस कंपनी के, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैपिटल हमारा ग्रुप है और मोहन हमारा लेजर है, ठीक है। सही ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है। सही ग्रुपिंग आप नहीं करोगे तो पूरा बैलेंस शीट गड़बड़ आ जाएगा या पीएल गलत आएगा। तो बेसिकली 7,50,000 मैंने डाल दिया है एंटर एंटर प्रेस करके, और सिंपली मुझे कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए जैसे ही मैं करती हूँ, मैं सेव करती हूँ, या तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ वापस एंटर करके, या कंट्रोल ए से मैं सेव कर सकती हूँ। अब आगे मैं सोहन का बनाती हूँ। सोहन इज माई कैपिटल अकाउंट, जो 7,50,000 का है। मैंने एंटर प्रेस किया है, वापस से एंटर, वापस से एंटर। यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, आप यस के लिए वाई और नो के लिए एन प्रेस कर सकते हैं। मैं यस करती हूँ, वाई प्रेस करती हूँ। तो बेसिकली मैंने दो अकाउंट बना लिया है, दो लेजर बना लिया है अंडर द ग्रुप कैपिटल। देखिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो लेजर बनाने में हमें टाइम लगेगा। एक एक लेजर हम बनाएंगे इस और हम सेव करेंगे। इससे अच्छा मैं मल्टी लेजर कैसे क्रिएट कर सकती हूँ टैली प्राइम में, वो हम सीखते हैं। तो हम एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद देखिए, आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन में जा सकते हैं, जिसमें आप लेजर्स में जाएंगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो है, देखिए यहाँ पर अगर एस्केप करूं मैं, तो एच करके ऑप्शन आएगा आपके पास, और लेजर में आप एंटर करेंगे। लेजर में एंटर करने के बाद आपके पास मल्टी मास्टर का ऑप्शन आता है, दैट इज कंट्रोल एच। एच के नीचे एक डैश है, तो आप कंट्रोल यूज करोगे। तो बेसिकली हम इसमें जाते हैं और मल्टी क्रिएट करते हैं। देखिए मल्टी ऑल्टर भी है, मल्टी क्रिएट भी है, और क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन है। तो मल्टी क्रिएट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है, आप ग्रुप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें मैं ऑल आइटम्स ही एक बार ले रही हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि लेजर का नाम क्या है, किसके अंडर हो जाएगा, कौन से ग्रुप के अंडर, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो सिंपली आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए, लोन फ्रॉम राहुल, लोन फ्रॉम राहुल मेरा लेजर है और लोन्स लाइबिलिटी मेरा ग्रुप है। तो सिंपली हम डालेंगे लोन फ्रॉम राहुल किसके अंडर, मैं टैप प्रेस करके लोन्स लाइबिलिटी के अंदर ये डाल रही हूँ। एंटर प्रेस करती हूँ और लोन है मेरा 4,00,000 रुपए का। तो सिंपली आप 4,00,000 रुपए डाल सकते हैं। तो अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। आप एंटर करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है, देखिए करंट लाइबिलिटी के अंदर एक सब ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर।
प्रीवियस वीडियो ने मैंने आपको समझाया कि सब ग्रुप भी होता है, ग्रुप भी होता है, राइट। सब ग्रुप क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, उसके अंदर आपका रमेश ट्रेडर और सुरेश इलेक्ट्रॉनिक लेजर है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? रमेश इलेक्ट्रॉनिक ये आपका सब ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आप देखोगे रमेश इलेक्ट्रॉनिक 6 लाख रुपए का है, तो 6 लाख रुपए जो है हम क्रिएट कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए सुरेश इलेक्ट्रॉनिक 4 लाख रुपए का है, सुरेश इलेक्ट्रॉनिक, तो ये भी हमारे पास है। ये भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर करके सब ग्रुप है उसमें है। ये कितना अमाउंट है अगर आप देखोगे तो 4 लाख का ये अमाउंट का है। फिर आगे चलते हैं, देखिए आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पेबल, रेंट पेबल, सैलरी पेबल, ये हमारे लेजर है जो प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी में है, करंट लाइबिलिटी मेरा ग्रुप है, और इलेक्ट्रिसिटी पेबल, रेंट पेबल और सैलरी पेबल मेरा क्या है? लेजर है। तो इलेक्ट्रिसिटी पेबल हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पेबल, ये आपका कहाँ आएगा? ये आपका आएगा करंट लाइबिलिटी में 5,000। आगे चलते हैं, फिर आपको मिलेगा रेंट पेबल 2 लाख का, रेंट पेबल आपका आएगा करंट लाइबिलिटी में, ये हमारा ग्रुप है करंट लाइबिलिटी, अगर आप देखेंगे तो करंट लाइबिलिटी में आएगा 2 लाख का। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर सैलरी पेबल का ऑप्शन है, तो हम सैलरी पेबल में जाते हैं। सैलरी पेबल में हम जैसे ही जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि ये किसके अंडर आएगा। ये करंट लाइबिलिटी हमारा ग्रुप है, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारा सैलरी पेबल आएगा। कितना करके है ये? 20,000 का हमारा सैलरी पेबल है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लाइबिलिटी साइड में क्रिएट कर ली। अब आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1,55,000 का। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैश और पीएल डिफॉल्ट लेजर है जो ऑलरेडी टैली प्राइम में क्रिएटेड रहते हैं, तो उनको हमें एडिट करना पड़ेगा, उनको ऑल्टर करना पड़ेगा और फिर ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। उनको वापस से हम इसमें क्रिएट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्रिएट, वापस से थोड़ी ना हम क्रिएट करेंगे। तो हम सिंपली जाएंगे एसेट साइड में, जहां पर आपको बिल्डिंग फर्नीचर दिखेगा। बिल्डिंग आपका लेजर है, फर्नीचर आपका लेजर है, फिक्स एसेट आपका ग्रुप है। तो अगर सही ग्रुप में आप डालोगे ना तो सही रिपोर्टिंग होगी। टैली प्राइम आपको ग्रुप क्रिएट करके दे देता है, लेजर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करना होता है। और अगर कुछ कुछ ग्रुप आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करना चाहते हैं क्रिएट, तो आप कर सकते हैं। तो हम बिल्डिंग में जाते हैं, बिल्डिंग में अगर मैं जाऊं तो ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। ये कितने का है अगर आप देखो तो 10 लाख का है हमारा फिक्स्ड एसेट, 10 लाख का फिक्स्ड एसेट है। और आपका फर्नीचर 1 लाख का, फर्नीचर मेरा भी फिक्स्ड एसेट के अंदर है, फर्नीचर हमारा लेजर है जो फिक्स्ड एसेट के अंदर रिफ्लेक्ट करने वाला है, जो 1 लाख का आपका लेजर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, आगे आपको दिखेगा करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अभी तक हमने इन्वेंट्री के बारे में बात नहीं किया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वेंट्री के बारे में भी बात करेंगे, तो तब हम जानेंगे कि कैसे हम इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं, वो हम देखेंगे उस वीडियो में। अब हम बात करते हैं आगे, आगे आप देखोगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड देखिए टैली में डिफॉल्ट लेजर है, ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, तो आपको ऑल्टर करने की जरूरत है, वापस से क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट 10 लाख का है, मैं HDFC बैंक अज्यूम करती हूँ, तो HDFC बैंक अगर मैं बनाऊ तो आपका ये बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट में आपका ग्रुप है और ये 10 लाख का आपको दिखेगा, ठीक है 10 लाख का। अब आगे चलते हैं, देखिए अब नया चीज है कुछ जो मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नॉर्थ इंडिया डेटर, साउथ इंडिया डेटर, ये एक ग्रुप है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया डेटर के अंदर सत्यम इलेक्ट्रॉनिक एक लेजर है और इलेक्ट्रोवेयर एक लेजर है। तो हम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं टैली में, मैं आपको लॉन्ग कट भी बताऊंगी और शॉर्टकट भी बताऊंगी। अभी मैं इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। कंट्रोल ए करके सेव जैसे ही करते हैं, देखिए हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में है, तो दिखा रहा है कि बैंक अकाउंट के अंदर कौन सा लेजर मैप्ड है, कैश इन हैंड के अंदर कौन सा लेजर मैप्ड है। आप सिंपली देखिए मैपिंग बहुत आसान कर दिया है, आसान ये कर दिया है कि आपको अगर HDFC बैंक के अंदर जाना है तो आप सिंपली कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, आप HDFC बैंक के अंदर चले जाएंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा लेजर है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं व्यू अपने अकॉर्डिंगली, लेजर व्यू में जा सकते हैं,
या आपको और अदर मास्टर्स में जाना है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाना है तो ऑल्ट जे आप कंट्रोल जे आप प्रेस कर सकते हैं। तो एक्सेप्शनल रिपोर्ट में शो अनयूज भी आता है कि अभी तक ये यूज नहीं हुआ है ये लेजर, और शो यूज भी आता है। तो सारा चीज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, बहुत ही अच्छा फीचर टैली प्राइम में दिया है कि कौन सा लेजर किससे मैप्ड है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एस्केप एस्केप प्रेस करके कि कैसे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्रिएट में जाइए, सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर ग्रुप में आप जाइए। ग्रुप में जाने के बाद आपको सिंपली ग्रुप क्रिएट करना है, राइट। तो ग्रुप आप कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया डेटर, ये हमारे ग्रुप है, ठीक है। ये मैंने ग्रुप सब ग्रुप क्रिएट किया है, किसके अंडर है, ये डेटर के अंदर ही जाएगा, ये डेटर के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, नॉर्थ इंडिया डेटर को क्रिएट किया है, एक ग्रुप बनाए हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं हम। अब साउथ इंडिया डेटर भी हम क्रिएट करेंगे, लेकिन कैसे क्रिएट करेंगे हम आपको दिखाते हैं कि साउथ इंडिया डेटर जो है वो कैसे क्रिएट होगा। उससे पहले हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं एस्केप करके, और उसके बाद हम ग्रुप्स में जाते हैं। ग्रुप्स में जाके आपका मल्टी मास्टर का ऑप्शन है, वहां जाएंगे मल्टी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपका साउथ इंडिया डेटर, साउथ इंडिया डेटर, आपको जितना मन है उतना आप ग्रुप क्रिएट करें यहाँ पर, लेकिन आपको बताना पड़ेगा वो किसके अंदर आएगा। तो वो बेसिकली डेटर के अंदर ही आएगा, हम लोग का सन्ड्री डेटर के अंदर। तो ऐसे मैंने ग्रुप भी क्रिएट करके आपको सिखा दिया, कंट्रोल ए करते हैं। और इसके अंदर आप लेजर व्यू में जाइए, अदर मास्टर्स में आप जाके लेजर में जाइए, लेजर मल्टी मास्टर क्रिएट कीजिए, मल्टी मास्टर में मल्टी क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द लेजर, लेजर आप दो क्रिएट करना चाहते थे, एक सत्यम इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रोवेयर। तो सत्यम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मेरा लेजर है। लेजर कहाँ पर आएगा, लेजर आएगा नॉर्थ इंडिया डेटर में, जो एक ग्रुप है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया डेटर मेरा ग्रुप है, सत्यम इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, इसका बैलेंस 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए हम डाल देते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर हम चलते हैं आपका इलेक्ट्रोवेयर में। इलेक्ट्रोवेयर हमारा एक लेजर है, इलेक्ट्रोवेयर इसके अंदर साउथ इंडिया डेटर के अंदर, जिसमें आपका 2 लाख की बैलेंस है, 2 लाख की बैलेंस है। तो आप देख सकते हैं, मैं 2 लाख लिख देती हूँ, आप देख सकते हैं कितना आसान है मल्टी लेजर मल्टी ग्रुप क्रिएट करना, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी मैपिंग देखना। तो टैली प्राइम में बहुत कुछ आसान बना दिया गया, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। अब एक और फीचर है जो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, दैट इज गो टू। अगर आप जाओगे गो टू में, आप सिंपली ऑल्ट जी प्रेस करोगे तो आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि कैसे आपका लेजर्स है अरेंज्ड, कैसे आपका ग्रुप है, ठीक है। ऑल्ट F1 आप प्रेस करोगे शॉर्टकट तो आपको दिखा दिया जाएगा कि मोहन सोहन किसके अंडर मैप्ड है। तो ये भी बहुत इजी हो गया कि आप गोटू से कहीं भी जा सकते हैं, आपको जहां पर जाना है। तो ये फीचर एक टैली प्राइम का बहुत अच्छा आया है कि हम संग संग ट्रांजैक्शन करके या कुछ भी बना के उसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी क्रिएटेड लेजर्स है। अगर मैं एस्केप प्रेस करूं और ऑल्टर में जाऊं और लेजर में जाऊं तो आप देखोगे कैश ऑलरेडी क्रिएटेड है, कैश और पीएल। तो कैश में जाके पहले उसको एडिट करते हैं, एंटर एंटर प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद कैश देखना है कितना है, 5 लाख का कैश का लेजर है तो 5 लाख जो है हमें डालना है। आई थिंक मैंने सही डाला है 5 लाख। 5 लाख डालने के बाद कंट्रोल ए करना है, ये सेव हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है जो प्राइमरी के अंडर मैप्ड है। अगर आप देखोगे तो प्राइमरी के अंडर मैप्ड है। आपको ओपनिंग बैलेंस में जाना है, ओपनिंग बैलेंस में आप देखोगे कि पीएल में आपका 1,55,000 आपको दिखेगा, तो 1,55,000 आपको डालना है। डालने के बाद कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए के बाद गो टू में जाना है, ऑल्ट जी प्रेस करना है, बी में जाके बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट में आप जैसे ही जाएंगे और ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्या मैप्ड है। देखिए अभी भी हमारा ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है,
आप बोलोगे मैम ये ओपनिंग बैलेंस में 1,80,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, अभी तक बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है, डिफरेंस आ रहा है 1,80,000 का क्योंकि मैंने अभी तक आपको इन्वेंट्री डाल के नहीं दिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया कि लेजर कैसे क्रिएट होता है, ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, मल्टी लेजर कैसे क्रिएट होता है, मल्टी ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हम मैपिंग देखते हैं, और गोटू की क्या यूज है, तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और क्या क्वेरी है और कैसा लगा हमारा ये वीडियो। जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले। थैंक यू गाइस।